हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हिमाचल दर्पण के लेटेस्ट वीडियो जो हैं वो मिलते रहें। हम हिमाचल दर्पण बुक के पेज नंबर 371 पे हैं। F2 शिक्षा अप्रेजल ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट HES मेंस GS पेपर 3 यूनिट 1 सब यूनिट 3 का जो है ये पार्ट है। और एक क्वेश्चन भी आया था मेंस पेपर में, हिमाचल प्रदेश सरकार की जो एलिमेंट्री एजुकेशन की जो नीतियां हैं उसके क्या उद्देश्य हैं, ये हमारा 4 मार्क्स में था 60 वर्ड में, नवंबर 2017 के मेंस में आया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शिक्षा क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है, प्रगति हुई है, उसके बारे में देखते हैं। 1951 में जो हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर थी वो 7.98% थी, और 51 में 457 प्राइमरी स्कूल थे, 94 मिडिल स्कूल थे और 25 जो हाई स्कूल थे, और एक ही जो था वो कॉलेज था, महाविद्यालय जो था वो एक ही था, कॉलेज एक ही था। हिमाचल प्रदेश के पहले शिक्षा निदेशक जो थे वो 1958 में KL सेठी बने, और हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में जो नियुक्त वरिष्ठ माध्यमिक अध्यापकों को जो है वो जो आवास है जो उसकी सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने 1999 में यशवंत गुरुकुल आवास योजना जो है वो चलाई है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आया है। फिर 2011 की बात करें तो जो साक्षरता दर 1951 में 7.98% थी वो 2011 में बढ़कर जो है 82.80% 82.80% हो गई, जिसमें 89.53% पुरुषों की और 75.93% जो है वो महिलाओं की साक्षरता दर है। और 31 दिसंबर 2017 तक हिमाचल प्रदेश में 10,756 जो है वो प्राइमरी स्कूल अधिसूचित हैं और क्रियाशील उसमें से 10,751 उसमें से क्रियाशील हैं प्राइमरी स्कूल। इसके अलावा 2,117 जो है वो मिडिल स्कूल अधिसूचित हैं और उसमें से 2,103 जो है वो क्रियाशील हैं। इसके अलावा 922 जो है वो हाई स्कूल और 1836 जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इसके अलावा 137 जो है गवर्नमेंट स्कूल थे दिसंबर 2017 तक, इसमें भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रदेश में एक SCERT है जो सोलन में है। इसके अलावा 7 संस्कृत कॉलेज है और एक ललित कला महाविद्यालय है, कॉलेज है। प्रदेश के अति दुर्गम क्षेत्रों में 1212 जो है वो माध्यमिक पाठशालाओं में जो है वो कंप्यूटर शिक्षा जो है शुरू की गई है। तो ये तो थे हमारे शिक्षा क्षेत्र में जो है वो प्रगति की बात। अब हम जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसकी बात करते हैं। जो क्वेश्चन अभी मेंस में ऊपर पूछा भी गया था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसके उद्देश्य क्या है, तो प्रारंभिक शिक्षा संबंधित सरकार की नीतियों का क्रियान्वयन जो है वो जिला प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक या खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला और खंड स्तर पे किया जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इस जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो जिला प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक उसके द्वारा, और जो ब्लॉक लेवल पे है वो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो है BEO उसके द्वारा जो है लागू किया जाता है। अच्छा, इसके उद्देश्य क्या है? एक तो प्रारंभिक शिक्षा का जो यूनिवर्सलाइजेशन है, सार्वजनिककरण का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना। इसके अलावा प्रारंभिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करना, क्वालिटी एजुकेशन, और प्रारंभिक शिक्षा को सब तक पहुंचाना, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये कुछ उद्देश्य हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के। अगर इसके बाद हम जो राज्य सरकार जो है वो छात्रवृत्ति जो योजनाएं जो हैं वो चला रही है, तो वो कौन कौन सी योजनाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं। वर्ष 2017-18 में जो है वो कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही थी, तो एक तो माध्यमिक मेरिट मेधावी छात्रवृत्ति के अंतर्गत छात्र और छात्राओं को ₹800 वार्षिक जो है वो छात्रवृत्ति जो है, जिसको हम वजीफा भी कह लेते हैं या स्कॉलरशिप इंग्लिश में कहा जाता है, तो वो प्रदान की जा रही है। इसमें क्या है, ये तो हो गया हमारा जो माध्यमिक शिक्षा के लिए ₹800 वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा IRDP परिवार से संबंधित बच्चों को ₹150 पर छात्र या छात्रा फर्स्ट से फिफ्थ क्लास तक जो है वो छात्रवृत्ति दी जा रही है। यानी कि जो पहली से पांचवी में जो IRDP के छात्र हैं या छात्राएं हैं वो पढ़ रही हैं, तो उनको ₹150 प्रति बच्चा जो है वो छात्रवृत्ति दी जा रही है। और इससे जो है लगभग 52,311 छात्र लाभान्वित हुए हैं, छात्र छात्राएं लाभान्वित हुई हैं 2017-18 में, और इस पे कुल ₹78 लाख जो है वो खर्च किए गए हैं। इसी तरह से छठी से आठवीं में जो है वो 250 और ₹500 प्रति छात्रा वार्षिक छात्रवृत्ति जो है वो दी जा रही है। तो जो छठी से आठवीं में लड़कों के लिए ₹250
और लड़कियों के लिए 500 रुपये जो है वो सालाना जो है वो जो स्कॉलरशिप है 6ठी से 8वीं क्लास के लिए वो दी जा रही है। और इससे जो है लगभग 47,759 जो है लड़के लड़कियां जो है लाभान्वित हुए हैं, और उसमें लगभग 1.95 करोड़ जो है रुपए वो खर्च किए गए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि 1ली से 5वीं तक 150 रुपये, और फिर 6ठी से 8वीं तक लड़कों के लिए 250 और लड़कियों के लिए 500 रुपये जो है वो वार्षिक छात्रवृत्ति जो है स्कॉलरशिप जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा छात्रा उपस्थिति योजना, तो अगर 90% से ज्यादा अटेंडेंस है तो 2 प्रति माह और 10 माह के लिए दिए जाते हैं ये, तो 2 रुपये प्रति माह है। 90% से ज्यादा जो है वो अगर छात्रवृत्ति है बच्चों की तो 2 रुपये प्रति माह, और 10 महीने के लिए जो है ये छात्रवृत्ति जो है दी जाती है। तो 38,854 जो है वो छात्राएं जो है लाभान्वित हुई है। तो ये योजना सिर्फ छात्राओं के लिए है, छात्रा उपस्थिति योजना, और इसमें जो है वो 2017-18 में लगभग 7.71 जो है लाख जो है वो वितरित किए गए हैं। तो 7,71,000 रुपये जो है वितरित किए गए हैं। ये जितनी भी योजनाएं हैं, हम एलिमेंट्री एजुकेशन के 1ली से 8वीं की जो है योजनाएं वो हैं कि भाई कौन कौन सी छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप योजनाएं जो हैं वो चल रही थी। इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं जो हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए चल रही हैं, एक है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, तो फ्री जो बुक्स हैं, तो जो IRDP के बच्चे हैं, SC ST OBC और सामान्य विद्यार्थियों को जो है मुफ्त जो है वो पाठ्य पुस्तकें जो है उपलब्ध करवाई जा रही हैं सरकार के द्वारा। और 2017-18 में फ्री बुक्स के ऊपर लगभग 16 करोड़ रुपए का जो है वो खर्चा आया था। इसके अलावा महात्मा गांधी जो वर्दी योजना भी जो है वो चलाई जा रही है। 2017-18 में 1ली से 10वीं तक के सभी बच्चों को 2 सेट वर्दियां जो है और साथ ही साथ 200 रुपये सिलाई हर साल वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो लगभग 6,97,959 बच्चे जो हैं वो 1ली से 10वीं में वो इससे लाभान्वित हुए हैं, और इस पे 28 करोड़ का जो है वो खर्चा आया है। तो 2 सेट वर्दियां जो है वो साल में दी जाती हैं, और 200 रुपये सिलाई के भी दिए जाते हैं महात्मा गांधी वर्दी योजना के अंतर्गत। और अब इसका नाम जो है वो अटल वर्दी योजना के अंतर्गत 1ली 3री 6ठी और 9वीं क्लास के जो स्कूल के बच्चे हैं उनको स्कूल बैग भी दिया जाएगा। जो बाद में जो इसके महात्मा गांधी वर्दी योजना के बाद अटल वर्दी योजना के अंतर्गत तो जो है इसका नाम बदल के, तो अब इसमें जो है 1ली 3री 6ठी और 9वीं क्लास के बच्चों को स्कूल बैग भी जो है वो दिया जाएगा। ये तो हो गया वर्दी और बैग्स की बात। इसके अलावा जो एक और योजना है वो है निःशुल्क लेखन सामग्री। तो जो SC के लड़के लड़कियां हैं जो IRDP या BPL परिवार से संबंध रखते हैं, SC कैटेगरी के जो IRDP BPL के बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जो 1ली से 5वीं तक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको फ्री जो है वो लेखन सामग्री के लिए पैसे उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो 1ली 2री में उनको 250 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष, 3री 4थी में 300 रुपये और 5वीं क्लास में 350 रुपये मिलते हैं। तो ये SC के जो IRDP और BPL से संबंधित बच्चे हैं उनको ये जो सुविधा है वो दी जाती है। लगभग 26,000 बच्चे जो है इससे लाभान्वित हुए थे, 75 लाख का खर्चा आया था। फिर हम बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान की। तो राज्य में सर्व शिक्षा अभियान परियोजना जो है वो पूर्व गतिविधियों के साथ शुरू किया गया, जिसमें मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने के लिए जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत जो है जो जिला परियोजना कार्यालय है उसके आधारभूत ढांचा जो है उसको बेहतर बनाना, इसके अलावा शिक्षा से जुड़े जो प्रशासनिक अधिकारी और अध्यापक जो है उनकी जो है क्षमता का निर्माण करना, विद्यालयों की मैपिंग करना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, शिक्षा की बेहतरी के लिए जो है लघु योजनाएं और सर्वेक्षण आदि जो गतिविधियां हैं इसमें शामिल है सर्व शिक्षा अभियान में। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है वो आम जनता के लिए शिक्षा की पहुंच को आसान बनाना, विद्यालयों में बच्चों की जो नामांकन है उसकी दर को बढ़ाना, लिंग अनुपात में जो अंतर है कि लड़के और लड़कियों में जो लिंग अनुपात का अंतर है, खासतौर पे स्कूलों में जो एडमिशन होती है लड़कों की ज्यादा लड़कियों की कम, तो उसको समाप्त करना। इसके अलावा विद्यालयों में बच्चों का ठहराव जो स्टैग्नेशन है, अगर कोई फेल हो रहा है तो उसको भी कम करना, साथ ही 6 से 14 साल के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करवाना। तो एक तो उनको क्वालिटी एजुकेशन, दूसरा कि भाई वो छोड़े ना, मतलब 8वीं कंप्लीट कर लें उसके बाद ही स्कूल जो है छोड़ें,
तो विद्यालय के प्रबंधन में पूर्ण सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज हैं जो जो मतलब मैनेजमेंट है स्कूलों का, तो उसमें जो है वो समुदाय की जो है कम्युनिटी के जो है वो पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना। तो कौन कौन से जो है सर्व शिक्षा के अंतर्गत जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, एक तो सीखने का प्रतिफल जो गुणवत्ता में सुधार है, पहला है सीखने का प्रतिफल। तो राज्य सरकार ने सभी जो प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को एनसीईआरटी द्वारा विकसित जो विषय है और वर्गवार सीखने के परिणाम प्रतिफल प्रदान किए हैं। इन्हें इस तरह से सिखाने के निर्देश दिए गए ताकि प्रत्येक योग्यता के छात्रों द्वारा वांछित जो है शैक्षणिक जो परिणाम है वो प्राप्त किए जा सकें। तो जो भी एनसीईआरटी का जो भी सब्जेक्ट है और जो भी उसके टॉपिक वाइज जो है तो उसके हिसाब से ही जो पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, तो सीखने का प्रतिफल जो है ये उस पर आधारित है। फिर है सीसीई, सतत समग्र मूल्यांकन। तो सीसीई जो है राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं क्लास तक जो है वो लागू किया गया है। प्रत्येक अध्याय को पूरा होने के बाद रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन के माध्यम से छात्रों की योग्यता का आकलन करना। तो जो समेटिव और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन की बात की गई है वो सीसी में जो है वो शामिल है। इसके बाद है प्रेरणा, इसके बारे में और प्रयास और प्रेरणा इसके बारे में जो है क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं। सरकार द्वारा प्रेरणा कार्यक्रम जो है वो 2016-17 में जो सभी प्राइमरी स्कूलों में लागू किया गया। तो बस एक चीज ध्यान रखना, प्रेरणा कार्यक्रम जो है वो प्राइमरी स्कूल में है और प्रयास जो है वो मिडिल स्कूल में 6 से 8वीं क्लास में जो है वो लागू किया गया। तो सबसे पहले हम प्रेरणा की बात करते हैं, तो सभी प्राइमरी स्कूलों में ये लागू किया गया जो 2016-17 में। इसका जो है वो हर इसका उद्देश्य जो है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना है, साथ ही साथ पढ़ने लिखने और जो अंक गणित का कार्य है वो ताकि वो कर सकें, इसका मेन उद्देश्य ये है। और साथ ही साथ छात्रों की सीखने की क्षमता का विकास और उन्नयन करना। 2017-18 में प्राइमरी स्कूल के सभी बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश और गणित पे ध्यान देने के लिए जो है वो प्रेरणा प्लस कार्यक्रम शुरू किया गया। तो प्रेरणा कार्यक्रम 2016-17 में शुरू किया गया और प्रेरणा प्लस कार्यक्रम 2017-18 में शुरू किया गया, और उसका मेन फोकस जो था वो हिंदी, इंग्लिश और मैथ पे था प्राइमरी स्कूल में। तो मेन यही है कि प्रेरणा कार्यक्रम जो है वो प्राइमरी स्कूल का है और प्रेरणा प्लस जो है वो भी प्राइमरी स्कूल पे है, लेकिन उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश और मैथ। अब अगर हम बात करें प्रयास कार्यक्रम की, तो 6 से 8वीं के बच्चों के लिए मैथ और साइंस के लिए जो है उसके कौशल के विकास के लिए जो है वो सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय जिसको मिडिल स्कूल भी कहते हैं 6 से 8वीं के, उनमें 2016-17 में जो है शुरू किया गया। प्रयास जो है वो विज्ञान और गणित विषयों में जो है 6 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनमें सीखने की क्षमता का विकास और सुधार करने का अभियान है। तो 6 से 8वीं के सभी जो है उसमें प्रयास प्लस शुरू किया गया। तो बस ये सिंपल सी बात है, प्रयास में हम मैथ और साइंस पे फोकस करते हैं 6 से 8वीं में, और प्रेरणा जो है वो प्राइमरी स्कूल में हिंदी, इंग्लिश और मैथ पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा शिक्षकों का क्षमता निर्माण करने के लिए प्रेरणा प्लस और प्रयास प्लस के लिए 6 से 8वीं तक के शिक्षकों की क्षमता सुधार का कार्य जो है वो डाइट स्तर पे जो है पहले ही कर दिया गया है। तो डाइट में ही जो है वो ज्यादातर शिक्षकों की जो ट्रेनिंग वगैरह है, क्षमता निर्माण जो है, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो होता है। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया। अब तक लगभग 1202 सरकारी स्कूलों को पहले से ही जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कवर किया गया है, जिसमें 3 कंप्यूटर, 1 लेजर प्रिंटर जो है मल्टीपर्पज लेजर प्रिंटर, 2 यूपीएस और फर्नीचर हर स्कूल को जो है वो दिए गए हैं एलिमेंट्री स्कूल जो है पहली से 8वीं तक के। इसके अलावा 3 कंप्यूटरों में से 1 42 इंच की जो है LCD जो है TV के साथ साथ 170 जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जो हाई स्कूल हैं, सॉरी जो मिडिल स्कूल हैं, उसमें 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत उनको स्वीकृत किया गया है। ये कंप्यूटर जो है एडेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत कार्यान्वयन किए जाएंगे। तो 170 जो स्कूलों में जो है ये चलाया जा रहा है। फिर हम चलते हैं राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत 2016-17 में जो है पहले से ही 72 विद्यालयों को सम्मिलित किया गया। 17-18 में जो है जो 72 और स्कूल जो है उसको इसमें शामिल किया गया। तो इसमें क्या क्या काम हम करते हैं, एक तो चयनित प्रयोगशाला विद्यालयों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जो गतिविधियां की जाती हैं, एक तो इसमें जो मैथ की जो लैब्स हैं वो एस्टेब्लिश की जाती हैं। इसके अलावा जो विज्ञान की जो लैब्स हैं उसको और मजबूत बनाया जाता है।
लैब स्कूलों में विशेषज्ञों की सहायता से विज्ञान पार्क विकसित करना, तो जो साइंस पार्क है वो बनाए जाते हैं। दीवार और अन्य जो स्थान पर गणित और विज्ञान सीखने से जो है वो बाला सुविधाओं का परिचय, जो पेंटिंग वगैरह है मैथ और साइंस की, वो की जाती है। इसके अलावा जो वर्मी कंपोस्ट प्लांट है उसको, उसका विकास करना राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत। इसके अलावा जो क्षेत्रीय गणित ओलंपियाड है होता है उसके लिए छात्रों की जो तैयारी कराना। इसके अलावा जो साइंस कांग्रेस होती है, चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, उसकी छात्रों की तैयारी कराना। इसके अलावा प्रेरित अनुसंधान जो इंस्पेयर है के लिए विज्ञान शोध में जो है इनोवेशन नवाचार जो है वो लाना। विज्ञान और गणित इवेंट्स का आयोजन स्कूल स्तर पर, प्रदर्शनी, प्रश्नोत्तरी और सेमिनार करना। तो साइंस और मैथ के जो प्रदर्शनियां हैं, क्विज हैं, सेमिनार हैं, वो करना। इसके अलावा लैब स्कूलों की सलाह के लिए उच्च स्तर पे संस्थानों की पहचान, उच्च स्तरीय संस्थानों द्वारा प्रयोगशाला लैब्स यानी स्कूल अध्यापकों की क्षमता निर्माण, अग्रणी शिक्षक संस्थानों के प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा स्कूल स्तर पे छात्रों के लिए अतिथि जो व्याख्यान होता है गेस्ट लेक्चर, वो छात्रों के लिए विज्ञान और गणित जो है क्लब का निर्माण करना। तो ये सारे काम जो है वो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत जो है वो किए जा रहे हैं। इसके बाद जो बाकी जो हमारे एलिमेंट्री एजुकेशन के जो बच गया है, उपलब्धि सर्वेक्षण है, चाहे अनुसंधान है, चाहे स्कूल स्तरीय अनुदान है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो।